तो हेलो व्हाट्स अप गाइस, क्या हाल है तुम लोगों का। तो मेरा नाम है फिनिक्स और तुम लोगों का स्वागत है पोकेमोन रेड वर्जन के गेम प्ले के पार्ट टू में। तो अभी मैं करंटली हूँ ब्रिडियन सिटी में। तुम्हें बता दूँ लास्ट एपिसोड में मेरे साथ क्या क्या हुआ। पैलेट टाउन में मुझे प्रोफेसर ओक से अपना स्टार्टर पोकेमोन चार्मेंडर मिला। स्टार्टर पोकेमोन मिलने के बाद मैं वहां से निकल गया ब्रिडियन सिटी, और ब्रिडियन सिटी के पोकेमोन मार्ट में मुझे फिर से प्रोफेसर ओक के पास जाने के लिए प्रोफेसर ओक का पार्सल मिला। प्रोफेसर ओक के पार्सल को डिलीवर करने के बाद प्रोफेसर ओक ने हमें, मुझे और गैरी को एक टास्क दिया पोकेडेक्स कंप्लीट करने का। उसके बाद उस पोकेडेक्स को लेके गैरी के सिस्टर के पास मुझे टाउन मैप मिल गया। वहां से होते हुए हम आ गए फिर से ब्रिडियन सिटी से इंडिगो लीग की तरफ गए, लेकिन वहाँ मुझे गैरी मिल गया और गैरी ने बताया कि इंडिगो लीग जाने के लिए हमें बैजेस चाहिए, तो बैजेस जीतना है। उसके बाद उसको हराने के बाद वहाँ से आ गया मैं फिर से ब्रिडियन सिटी। करंटली मैं ब्रिडियन सिटी में हूँ अभी। तो यहाँ से अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। तो ब्रिडियन सिटी के पोकेमोन मार्ट से तो मैंने सारी चीज़ें खरीद लिया है जो चाहिए मुझे, तो अब एक्सप्लोर करते हैं। इससे बात करता हूँ। आई एम ट्राइंग टू मेमोराइज ऑल माई नोट्स। तो ये अपने नोट को मेमोराइज कर रही है। ओके, बी श्योर टू रीड द ब्लैक बोर्ड केयरफुली। क्या लिखा है ब्लैक बोर्ड में देखे तो। द ब्लैक बोर्ड डिस्क्राइब पोकेमोन स्टेटस चेंज ड्रॉइंग बैडल। ओके, तो ये स्लीप में कौन सा एंटीडोट व ड्रग यूज करना है ये बता रहा है ब्लैक बोर्ड में, तो मुझे वो जानने की जरूरत नहीं है, मुझे पहले से ही पता है। तो ये लड़की क्या कर रही है इस बीच रोड में। व्हेन आई गो शॉप in Pewter City, I have to take the wilding trial in Bridian Forest. हाँ यार, Bridian Forest के लिए तो मैंने antidote रखा है battle करने के लिए। My daddy loves Pokemon too. तो इसके पिताजी को Pokemon बहुत ही पसंद है, और पता नहीं क्यों, तो पूछते हैं उसके पिताजी से क्यों पसंद है इनको Pokemon. Coming up with nickname is fun, but hard simple name are easy to remember. सिंपल नेम बहुत ही ईजी है, निक नेम रिमेंबर करना बहुत ही हार्ड है, इनका कहना है मेरा नहीं, तो मुझे जज मत करना। तो इस ब्रिडियन सिटी में भी एक जिम है, तो इस जिम के अंदर चलते हैं, देखते हैं ये जिम खुला है कि नहीं। अगर जिम खुला होगा तो मुझे एक बैच जीतने का मौका मिल जाएगा। तो चलो देखते हैं जिम, मुझे तो नहीं लगता कि इधर जिम खुला होगा। द जिम डोर आर लॉक्ड। तो ये जिम बने हैं, तो हम ब्रिडियन सिटी के जिम लीडर को अभी चैलेंज नहीं कर सकते, तो हम जाएंगे प्यूटर सिटी। प्यूटर सिटी में भी जिम लीडर है एक। ट्रेनर टिप्स, ओके इधर टिप लिखा है तो ध्यान से सुनना। कैच पोकेमोन एंड एक्सपेंड योर कलेक्शन, द मोर यू हैव द इजियर इट इज टू फाइट। जितना पोकेमोन होगा उतना ईजी होगा फाइट करना, इस बोर्ड में लिखा था, इधर टिप दिया था। रूट टू ब्रिडियन सिटी टू प्यूटर सिटी। वाओ, तो पता नहीं किस बंदे ने इधर बोर्ड दिया है कि प्यूटर सिटी से जा सकते हो तुम, नहीं ब्रिडियन सिटी से प्यूटर सिटी जा सकते हो, मैं गलत क्यों बोल रहा हूँ पता नहीं। तो चलो चलते हैं प्यूटर सिटी। जाने के लिए हमें एक ब्रिडियन सिटी से ब्रिडियन फॉरेस्ट से होते हुए जाना होगा। रैरिटा मे बी स्मॉल बट इट्स बाइट इट्स विकेट। डिड यू गेट ऑन। हाँ मेरे पास एक है, मैंने पीसी में उसे रखा है। आर यू गोइंग टू ब्रिडियन फॉरेस्ट। हाँ जाऊँगा मैं। बी केयरफुल इट्स ए नेचुरल मेज। ये पूरा नेचुरल मेज है इधर ब्रिडियन फॉरेस्ट में, इस लड़की का कहना है। इधर भी ट्रेनर टिप्स, वीकेंड पोकेमोन बिफोर अटेम्प्टिंग कैप्चर व्हेन हेल्दी दे में स्केप। अगर हेल्दी पोकेमोन होगा तो स्केप हो जाएगा, ये सबको पता है। आई कम हियर विथ सम फ्रेंड्स। तो ये कुछ दोस्तों के साथ आया है। दे आर आउट फॉर पोकेमोन फाइट्स। तो ये कुछ दोस्तों के साथ आया है और वो लोग पोकेमोन फाइट चाहते हैं, तो मैं शायद देने वाला हूँ उनको पोकेमोन फाइट। मुझे ब्रिडियन फॉरेस्ट में एक पिकाचू चाहिए यार, पिकाचू पकड़ना है मुझे। ओके देखते हैं कौन सा पोकेमोन। अरे यार तुम्हें मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। फर्स्ट ब्रिडियन फॉरेस्ट में फर्स्ट इनकाउंटर हुआ किससे, पिकाचू से, वो भी 5 लेवल का, तो मुझे तो इसे पकड़ना है। कुछ भी हो जाए आज मुझे इस लौंडे को पकड़ना है। तो गश अटैक यूज करते हैं, ज़्यादा डैमेज मत देना पिज्जी, क्योंकि उसे हमें कट पकड़ना है, तो ज़्यादा डैमेज मत देना। ओके, तो अब देखते हैं पोकेबॉल यूज़ करके हम इसे पकड़ पाते हैं कि नहीं। कम ऑन, तुम्हें क्या लगता है मैं पकड़ पाऊँगा कि नहीं, कमेंट में बताओ। 1 2 3 यस, और मैंने पिकाचू पकड़ लिया अपना फर्स्ट फेवरेट पोकेमोन, नहीं फर्स्ट नहीं सेकंड फेवरेट पोकेमोन, क्योंकि चार्मेंडर तो मेरा फेवरेट है ही, मतलब जितने भी पोकेमोन मैं कैच करूँगा वो सारे मेरे फेवरेट्स हैं।
तो पिकाचू को तो निकनेम नहीं देंगे, इधर एक कुछ पड़ा है। ओके तो एक इधर हमें फ्री का पोकी बॉल मिल गया, किस बेकूफ बंदे ने उधर फेंक के रखा था। ओके तो पिकाचू को थोड़ा बहुत पोषण देते हैं, क्योंकि उसको मारा है तो कुछ खिलाना तो पड़ेगा, मतलब इसका हेल्थ तो कम किया है तो हेल्थ तो बढ़ाना पड़ेगा रिकवरी। हाँ तो मैंने लास्ट टाइम पिज्जी को फर्स्ट में रखा था, तो क्या बोलते हैं, अपने चार्मेंडर को फर्स्ट में रखते हैं क्योंकि नेक्स्ट जिम बैटल में वही काम आएगा, क्योंकि तुम जानते हो कि मेरे पास रॉक टाइप को, मतलब रॉक टाइप की वीकनेस वाले पोकेमोन मेरे पास नहीं है, जिसमें रॉक टाइप वीक है। फॉर पॉइजन यूज एंटीडोट, गेट इट एट पोकेमोन मार्ट। ये जरूर पोकेमोन मार्ट वालों ने इधर ये पोस्टर लगा कर रखा है, या फिर ये बोर्ड। इधर भी ट्रेनर टिप से पढ़ लेते हैं, इफ़ यू वॉन्ट टू अवॉइड बैटल्स स्टे अवे फ्रॉम ग्रासी एरिया। हाँ मुझे ये, अगर तुम रुको यार, आई रन आउट ऑफ पोकी बॉल टू कैच पोकेमोन विद, यू शुड कैरी एक्स्ट्रा। हाँ मेरे पास एक्स्ट्रा है, उस बोर्ड में ये लिखा था कि अगर मुझे अवॉइड करना है पोकी बॉल बैटल तो उनसे दूर रहना है। ओके इस बंदे से हम बैटल करेंगे फर्स्ट। ट्रेनर बैटर, हे यू हैव पोकेमोन, कम ऑन लेट्स बैटल। हाँ मेरे पास पोकेमोन है और तुझसे बैटल करना है मुझे। ओके भाई दिखा भाई तेरे पास कौन से पोकेमोन है। तो तेरे पास है वीडल, वो भी 6th लेवल का। हाँ चार्मेंडर तो आराम से तुझे हरा सकता है। उसके एक एम्बर, अरे यार मैं एम्बर यूज़ कर रहा था लेकिन ये स्क्रैच अटैक लग गया। स्क्रैच अटैक ने ज़्यादा डैमेज नहीं दिया, लेकिन इस साले वीडल ने पॉइजन स्टिंग यूज़ किया। पॉइजन स्टिंग एक थोड़ा बहुत डेंजर देता है, कि अगर पॉइजनस हो गया तो समझ सकते हो ना, अगर तुम्हारे पास एंटीडोट नहीं है और पॉइजनस हो गया। चार्मेंडर ग्रो टू लेवल 10, तो अपना चार्मेंडर 10 लेवल का हो गया है अपना लौंडा। अब ये बग कैचर यूज़ करने वाला है कैडेपी, वो भी 6th लेवल का। एक एम्बर से अपना काम हो जाएगा, और तुम देख सकते हो एक एम्बर से हमने वन शॉट में इसके कैडेपी को फेंडेड कर दिया। तो बग कैचर तो गया, नो कैडेपी कैन कट इट आउट, कट इट आउट नहीं बोला था, कट इट। सो यू विल स्केयर द बग आउट ऑफ मी। ओके इसने जोक मारा एक, और मैंने, मुझे हंसी नहीं आया इसके जोक में। एक काम करता हूँ, पिकाचू को फर्स्ट में रखता हूँ, क्योंकि तुम देख सकते हो पिकाचू का लेवल 5 है, तो इसको थोड़ा बहुत ट्रेन करना चाहिए। इसका, इसको दो ही अटैक आते हैं, एक थंडर शॉक और एक ग्रोल। ग्रोल किसी काम का नहीं है, थंडर शॉक काम का है। यू कैन जम्प आउट इफ़ यू आर पोकेमोन ट्रेनर। ओके ये भी बैटल करेगा मुझसे, तो चलो इससे बैटल करते हैं और पिकाचू को थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस देते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस है अपना पोकेमोन का लेवल अप होता है, तुम्हें पता है। गो पिकाचू। तो इसके पास है वीडल 7 लेवल का, थंडर शॉक देखते हैं, थंडर शॉक कितना डैमेज दे पाता है। ज़्यादा डैमेज नहीं दिया, और इसके वीडल ने पॉइजन स्टिंग यूज़ किया, और बहुत ही नहीं 3 HP खा गया मेरा। HP मतलब हेल्थ, और बी का मतलब पता नहीं, मैंने लगा दिया HP, नहीं HP मतलब HP+। हाँ HP नहीं, हेल्थ, हेल्थ एज बोलूँ, हेल्थ बोलूँगा, रहने दो। तो 878 एक्सपीरियंस मिला, मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं मिला, तो मैंने सोचा कि इस पिकाचू को ट्रेन करने का कोई फ़ायदा नहीं है अभी। अभी अपने चार्मेंडर को ट्रेन करने का ज़्यादा फ़ायदा होगा हमें। अबे ये नीडोरैन में तो चार्मेंडर को निकालना चाहता था, ये नीडोरैन आ गया गलती से। तो जाओ भाई, कम बैक नीडोरैन, अब चार्मेंडर जाओ। ओके ये अपना डिफेंस पर आ रहा है ककुना, ककुना के ऊपर मैंने एम पर यूज़ किया और ककुना हो गया फेंटेड। इट्स सुपर इफेक्टिव। ओ भाई नीडोरैन को भी मिल गया एक्सपीरियंस और चार हो गया नीडोरैन। ओके नहीं, अब ये वीडल यूज़ करने वाला है, ए बग कैचर, इसके पास है 7 लेवल का। इन बग कैचर के पास क्या सिर्फ वीडल एंड कैडेपी ही है, और कोई दूसरा पोकेमोन नहीं है क्या? ओके तो अपना चार्मेंडर ग्रो टू लेवल 11, तो अपना चार्मेंडर 11 लेवल का हो गया। आई रन आउट ऑफ पोकेमोन्स, तो कुछ और पकड़ भाई। ड्रॉन आई एम गोइंग टू कैच सम स्ट्रॉन्ग वंस। हाँ स्ट्रॉन्ग वन कैच करना, ये फालतू के वीक पोकेमोन मत कैच करो। तो चार्मेंडर को फर्स्ट में रखते हैं, क्योंकि पिकाचू को ट्रेन करके अभी हमारा कोई फायदा नहीं होने वाला। इस बोर्ड में क्या लिखा है, ट्रेनर टिप्स, कॉन्टैक्ट प्रोफेसर ओक वाई PC वर्चुअल PC टू गेट योर पोकीडेक्स एफ्यूलेटेड। शायद मैंने प्रनाउंस गलत कर दिया। अबे किसने फेंक के रखा है इधर एंटीडोट, तो इधर फ्री का एंटीडोट मिल गया। किस गधे ने फेंक के रखा है इधर एंटीडोट, उस गधे से मुझे मिलना है और उसे थैंक यू बोलना है।
उसे नहीं बोलूँगा कि मुझे एंटीडोट मिला, नहीं तो ये ले लेगा अपना एंटीडोट। उसे बोलूँगा थैंक यू, वो सोचेगा किस लेसन ने मुझे थैंक बोला। सोचते सोचते पता नहीं, रहने दो इसको, इसके रहने दो। मैं इधर ढूंढ रहा था कि उस तरफ कुछ ट्रेनर था इसलिए मैं घूम के गया। अब इधर चलते हैं प्रीटिन। अबे एनकाउंटर हो गया एक ककूना से 5 लेवल का, इसको हटाते हैं जल्दी से इधर से। और बिना इनकाउंटर हुए वाइल्ड पोकेमोन से इधर से निकलते हैं चुपचाप। नहीं करना है मुझे बैटल इधर, समझ रहे हो तुम? वैसे ज़्यादा ट्रेनर है नहीं इधर ब्रिडेन फॉरेस्ट में, मुझे लगा कि बहुत सारे ट्रेनर होगा, लेकिन अभी तक मैंने 2 ट्रेनर से ही फाइट किया है और मुझे लगा कि और भी मिलेंगे। अबे इधर एक और पोकेबॉल गिरा है, देखते हैं क्या है इस पोकेमोन में, क्या मिलेगा। तो इधर हमें एक फ्री का पोशन मिल गया, अच्छा है। वैसे पोशन बहुत ही महंगे होते हैं। ट्रेनर टिप्स, नो स्टीलिंग ऑफ पोकेमोन फ्रॉम अदर ट्रेनर्स, कैच ओनली वाइल्ड पोकेमोन। ये बोर्ड देने का कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि कैच नहीं कर सकते वैसे भी। हे वेट वेट अप, व्हाट्स द हरी? क्यों भाई, तुझे क्यों बताऊं मैं? अच्छा तुझे बैटल करना है, तो ये बोलना कि मुझे बैटल करना है, व्हाट्स द हरी क्यों? ओके, इसके पास है 9 लेवल का वेडल, सबसे ज़्यादा लेवल वाला पोकेमोन है इसके पास, तो ये भी कोई बड़ा डील नहीं है। इसे एक एम्बर से ये हार गया इसका वेडल, वीडल वीडील वीडल वेडल क्यों बोला मैंने। आई गिव यू आर गुड एट दिस, तो तुझे पता चल ही गया मैं अच्छा हूँ इसमें। और बता भाई हालचाल। समटाइम्स यू कैन फाइंड स्टफ ऑन द ग्राउंड, आई एम लुकिंग फॉर द स्टफ आई ड्रॉप। अच्छा तो ये इसने ही फेंक के रखा है सारे चीज़ें। ओके इधर एक बोर्ड है, लिविंग विरिडियन फॉरेस्ट प्यूटर सिटी अहेड। तो प्यूटर सिटी सामने ही है। हैव यू नोटिस द बुश ऑन बुशेज ऑन द रोड साइड? हाँ मैंने देखा है, दे कैन बी कट डाउन बाय स्पेशल पोकेमोन मूव। अच्छा ये छोटे मोटे ट्री के बारे में बात कर रहा है। मैनी पोकेमोन लिव ओनली इन फॉरेस्ट, वी नीड यू नीड टू लुक एवरीवेयर टू गेट डिफरेंट काइंड्स। अगर मुझे डिफरेंट काइंड पोकेमोन पकड़ना है तो मुझे सारी जगह देखना पड़ेगा। ये ओल्ड मैन उस बुश मतलब इस ट्री के बारे में बात कर रहा था, छोटे ट्री के बारे में। तो अभी हम करेंटली है प्यूटर सिटी में, तो ट्रेनर टिप्स पढ़ लेते हैं। एनी पोकेमोन दैट टेक पार्ट इन बैटल हाउएवर शॉर्ट एन एक्सपीरियंस, ये बातें भी मुझे पता था। तो पोकेमोन सेंटर चलते हैं, हील कर लेते हैं पोकेमोन सेंटर, और उसके बाद प्यूटर सिटी के जिम लीडर को ढूंढते हैं क्योंकि मुझे जिम बैटल करना है और एक बैच जीतना है। उसके बाद मैं एक्सप्लोर करूंगा पूरे प्यूटर सिटी को, पहले जिम बैटल जीतना है। तो नर्स जॉय ने तो आराम से मेरे पोकेमोन को हील करा दिया। अब एक काम करता हूँ, नीडोरैन को पीसी में रख देता हूँ, वैसे मैं तो इसे यूज़ नहीं करने वाला, तो नीडोरैन को लेके घूमने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। डिपॉजिट कर देते हैं, किधर है अपना नीडोरैन? ये रहा डिपॉजिट बॉक्स ऑन में। ऐसे कितने बॉक्स हैं स्टोरेज में पता नहीं, देखना पड़ेगा। तो पोकेमोन सेंटर से निकलते हैं, इससे बात करूँ क्या? नहीं, पहले जिम बैटल कर लेते हैं, उसके बाद सबसे बातें करेंगे। बातें नहीं इससे करते हैं। दे आर आर मेनी सीरियस पोकेमोन ट्रेनर हियर, दे आर ऑल लाइक बग कैचर्स बट पीटर जिम ब्रॉक इज टोटली इनटू इट। अरे यार सबको बताया कि ब्रॉक कितना रॉक हार्ड है, हार्ड है, हार्ड है, बहुत हार्ड। ये क्या कर रहा है इधर? पिस्ट, डू यू नो व्हाट आई एम डूइंग? नहीं भाई बता क्या कर रहा है। आई एम स्पेयरिंग रिपेल टू कीप पोकेमोन आउट ऑफ द, तो रिपेल से पोकेमोन भागते हैं, ये याद करके रखना होगा मुझे। रिपेल चाहिए मुझे, खरीदना पड़ेगा रिपेल। नोटिस दिस देयर सब हैव बीन स्टीलिंग पोकेमोन फॉसल एट माउंटेन मून, प्लीज कॉल प्यूटर पुलिस विद एनी इन्फॉर्मेशन। अगर मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो मैं कॉल जरूर करूँगा, लेकिन रुको। यू आर ए ट्रेनर राइट? ब्रॉक लुकिंग फॉर ए न्यू चैलेंजर, फॉलो मी। तो ये बंदा ब्रॉक के पास ले जाएगा, ये ब्रॉक का चमचा है शायद, या ब्रॉक का फैन होगा। तो अगर मेरे पास रहने दो, अभी ब्रॉक के ब्रॉक को देखते हैं, ब्रॉक के जिम में चलते हैं। इफ़ यू हैव द राइट स्टेप गो टेक ऑन ब्रॉक, यस ब्रॉक को टेक ऑन करने में जाऊंगा इसके जिम में। रुको पहले सेव कर लेता हूँ, अगर हार गया तो इधर से फिर से स्टार्ट करूँगा। ओके ओके रुको, इस बोर्ड को पन्ना में भूल गया क्या लिखा था। प्यूटर सिटी पोकेमोन जिम लीडर ब्रॉक,
द रॉक सॉलिड पोकेमोन ट्रेनर। ब्रॉक भाई किधर है तू? पीटर सिटी पोकेमोन जिम लीडर ब्रॉक विनिंग ट्रेनर गैरी। अबे गैरी इधर आया तो जीत के चला भी गया। हैया आई कैन टेल यू हैव व्हाट इट टेक्स टू बिकम ए पोकेमोन चैंपियन। अच्छा ये बता सकता है कि मैं कैसे पोकेमोन चैंपियन बन सकता हूँ? आई एम नो ट्रेनर बट आई कैन टेल यू हाउ टू विन। लेट मी टेक यू टू द टॉप। अबे ये ट्रेनर नहीं है लेकिन ये बता सकता है। ऑल राइट लेट्स ओके द फर्स्ट टर्न। अबे ये तो ऐसा इन्फॉर्मेशन बता रहा है जो कि मुझे पहले से पता है, तो इसको जल्दी से हो गया इसका काम करना, इससे बातें करना। अब आगे बढ़ते हैं। स्टॉप राइट देयर किड। बच्चा किसे बोल रहा है भाई? यू आर स्टिल लाइट ईयर्स फ्रॉम फेसिंग ब्रॉक। ये कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहा है, लाइट ईयर्स। ओके जूनियर ट्रेनर सोन्स फाइट। तो जूनियर के पास देखते हैं कौन है। इसके पास है डिगलेट है इसके पास 11 लेवल का। देखते हैं एम्बर में कितना डैमेज देता है। साले ने स्क्रैच यूज़ किया और थोड़ा बहुत डैमेज दे रहा है यार, सेम लेवल का है लेकिन अपना एम्बर ज़्यादा क्या बोलते हैं डैमेज दे रहा है। ओके तो क्रिटिकल हिट लग गया साले का। स्क्रैच, अब स्क्रैच से ज़्यादा डैमेज दे रहा है। ओके एम्बर से ज़्यादा स्क्रैच डैमेज दे रहा है तो स्क्रैच फाइनल। स्क्रैच 3 HP बचा, हेल्थ बचा था मेरा तो गया ये। और चार्मेंडर ग्रो टू लेवल 12। अभी ये शैंशरू यूज़ करने वाला है। शैंशरू जूनियर ट्रेनर शैंशरू यूज़ करेगा तू? मुझे पोशन यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि तुम देख सकते हो कितना हेल्थ कम है मेरा पोकेमोन चार्मेंडर का, मेरे फ्रेंड चार्मेंडर का। साले ने सैंड अटैक यूज़ किया, अब एक भी अटैक नहीं लगेगा, देखना मिस होगा। इस बार तो लग गया लेकिन सामने बार नहीं लगेगा। अब दूसरी बार नहीं लगेगा, सामने बार क्यों बोल रहा हूँ मैं, दूसरी बार नहीं लगेगा। साले ने फिर से स्क्रैच यूज़ किया, अब देखो अटैक ही अटैक के ऊपर अटैक मिस होगा। देखा मिस हो गया अटैक, लेकिन इसका अटैक जरूर लगेगा मुझे। इस बार लग जा भाई, स्क्रैच भी लग जा, स्क्रैच भी नहीं लग रहा। तो एक काम करता हूँ चेंज कर लेता हूँ। अबे 4 हेल्थ बचा है, लग जा एक एम्बर। एक अटैक मत करने ना भाई। अच्छा हुआ तूने सैंड अटैक किया, स्क्रैच नहीं किया। स्क्रैच करता तो मैं अभी फेंटेड हो जाता अपना चार्मेंडर। तो डू इट पिची। तो बैकग्राउंड में नॉइज वॉइस सुनाई दे रहा होगा तो इग्नोर करो उसे, क्योंकि पता नहीं कौन बाहर कौन माइक लेके बकचोदी कर रहा है। तो शैंशरू के ऊपर कश अटैक यूज़ करते हैं लेकिन कश अटैक भी मिस हो रहा है। तो एक काम करता हूँ क्यों ना मैं ही सैंड अटैक यूज़ करूँ। पीजी यूज सैंड अटैक लेकिन ये फेल हो गया। लेकिन साले का स्क्रैच लग गया पता नहीं कैसे। फिर से कष्ट करता हूँ, एक बार तो लगेगा। ट्राई करने कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ओके भाई पिकाचू कुछ कर, थंडर शॉक यूज़ कर। पिकाचू का तो थंडर शॉक अटैक ही नहीं लग रहा और ऊपर से इसने 2 स्क्रैच से पिकाचू को फेंटेड कर दिया। और पिजी का गश्त लगा यार, एक बार लगा और एक बार लग जा भाई, मिस क्यों हो रहा है? अगर तुम्हें बैकग्राउंड में कोई नॉइज वॉइस सुनाई दे रहा होगा तो इग्नोर करो साले नॉइज़ को और मेरी आवाज़ पे फोकस करो। समझ में आया तुम्हें? ओके तो इसका थोड़ा बहुत HP बचा है, उसका भी 1 HP बचा है और मेरा भी, लेकिन साले का स्क्रैच लग गया मेरा नहीं लगा। चार्मेंडर यू कैन डू इट मैन। और चार्मेंडर का स्क्रैच लग के चार्मेंडर ग्रो टू लेवल 13, हरा दिया उसको और जूनियर ट्रेनर को डिफीट कर दिया। ड्रैन लाइट ईयर्स इज इन टाइम इट मेजर डिस्टेंस। ओके तो पता चल गया तुझे लाइट ईयर्स किसे बोलते हैं बच्चे। यू आर प्रीटी हॉट बट नॉट एज हॉट एज ब्रॉक। अबे ये ले। ओके तो मैं अभी हील करके आता हूँ पोकेमोन। ओके तो मैं हील करके आ गया मैं पोकेमोन। तो अब चलो ब्रॉक से बैटल करते हैं। आई एम ब्रॉक, आई एम प्यूटर्स जिम लीडर। अरे भाई तुझे सब जानते हैं। आई बिलीव इन रॉक हार्ड डिफेंस एंड डिटर्मिनेशन, दैट्स वाई माई पोकेमोन आर ऑल द रॉक टाइप। इसने बता दिया अपना सीक्रेट। डू यू स्टिल वॉन्ट टू चैलेंज मी? फाइन देन शो मी योर बेस्ट। यस मैं तुझे चैलेंज करना चाहता हूँ और तुझे हरा के अब तेरा बैच लेना आया हूँ इधर। ओके तो ब्रॉक अपना वकांडा फॉरएवर वाला पोज दे के खड़ा है। तो इसके पास है जियोडूट 12 लेवल का, मुझे पता है इसके पास जियोडूट ही होगा। और एक ओनिक्स, ओनिक्स इसका फर्स्ट पोकेमोन है और जियोडूट पता नहीं सेकंड होगा शायद। तो जियोडूट के ऊपर एम्बर यूज़ करते हैं। तो इतना इफेक्ट नहीं दिया क्योंकि ये साला रॉक टाइप है इसीलिए। फिर से स्क्रैच देखते हैं, स्क्रैच तो थोड़ा डैमेज देगा शायद। और देख सकते हो तुमने कितना 1 HP दिया शायद, लेकिन इसका टैगल अटैक दे रहा है डैमेज मुझे। तो फिर से यूज़ करते हैं एम्बर क्योंकि और कोई अटैक नहीं है यूज़ करने के लिए। तो एम्बर पे मारते जाओ साले को,
जब तक मर ना जाए। इस बार क्रिटिकल हिट लगा और ज़्यादा डैमेज दिया, लेकिन फिर से साले ने डिफेंस अपना बढ़ा लिया जियो डूट ने, और फिर से मेरा एम्बल लगा लेकिन इतना डैमेज नहीं दिया जो पहले वाला दिया टैक क्रिटिकल हिट। इस बार लग जा क्रिटिकल नहीं, थोड़ा एच पी बचा इसका और एक फाइनल एम्बर से जियो डूट को हमने हरा दिया। जियो डूट फेंडेड हो गया और कितना एक्सपीरियंस दिया, 220 एक्सपीरियंस दिया। अब ये ओनिक्स यूज़ करने वाला है तो चेंज करते हैं पोकेमोन, पिजी को यूज़ करते हैं, क्योंकि पिजी को मैं एक अटैक यूज़ करने बोलूँगा, वो है सैंड अटैक, क्योंकि सैंड अटैक से पता है तुम्हें क्या होता है, अटैक मिस होता है, एग्रेसिव फील होता है। तो सैंड अटैक के ऊपर सैंड अटैक मारूंगा मैं 3, 4 या 10 बार, शायद 10 बार नहीं ज़्यादा हो जाएगा 10। अनलिश यूज़ करने वाला है लेकिन इसका अटैक मिस होगा क्योंकि मैंने डैमेज ही नहीं दिया इसे, तो कैसे इसका प्राइड वाला अटैक यूज़ होगा। तो अब यूज़ करते हैं गस्ट, लेकिन गस्ट से तो कुछ इसका गस्ट भी नहीं हुआ, गड्स भी कुछ नहीं हुआ, बार हिला भी नहीं थोड़ा सा ये पत्थर अपना। एग्रेसिव फेल करते जाओ जब तक इसका फुल एग्रेसिव ख़त्म ना हो जाए। ओके, तो बहुत एग्रेसिव कर लिया पोकेमोन चेंज करके, चारमेंडर से रियल फाइट कराते हैं। चारमेंडर को थोड़ा बहुत एचपी देना पड़ेगा, तुम्हें बताना मैं भूल गया, लेकिन मैंने पोकेमोन मार्ट से कुछ 2 पोशन खरीद के ले आया था जब मैं हील करने गया था, तो पोशन यूज़ कर लेता हूँ। इधर पोशन मिलता है तुम्हारा पीटर सिटी के पोकेमोन मार्ट में। तो देखो और इसका अटैक मिस हुआ, अब फिर से एम पर यूज़ करते हैं, इसका अटैक ऐसे ही मिस होता जाए और मेरा काम बनता जाए। ब्राइड यूज़ करने ब्राइड यूज़ करने वाला है, ब्राइड क्यों मैं बोल रहा था, ब्राइड मतलब पता है तुम्हें क्या होता है, पता है मुझे लेकिन मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, और मैं बार बार उसे ब्राइड ब्राइड बोल रहा था, ब्राइड अटैक को बाइट 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 नहीं बाइट। ओके, तो अनलिश अटैक लग गया फाइनली इसका, और देख सकते हो तुमने, तुम देख सकते हो कितना डैमेज दिया, इट्स नॉट इफेक्टिव। चारमेंडर यूज एम्बर, इट्स नॉट सुपर इफेक्टिव, लेकिन फिर भी मैं यूज़ करूँगा। स्क्रेच यूज़ करा है, स्क्रेच से डिफेंस फेल कर रहा है मेरा, टोटली डिफेंस फेल हुआ था। ओके, एक और फाइनल एम्बर शायद, यस, तो फाइनली हमने ऑनिक्स को हरा दिया, ब्रॉक के ऑनिक्स को, और 162 और चारमेंडर ग्रो टू लेवल 14 लेवल का हो गया अपना चारमेंडर, और पिची भी 11 लेवल का। फिनिक्स डिफीटेड ब्रॉक, अब ब्रॉक का कहना है, आई टुक यू फॉर ग्रांटेड एज प्रूफ ऑफ योर विक्ट्री हियर द बोल्डर बैच। तो बोल्डर बैच मुझे मिल गया, एक फर्स्ट जिम बैच हमने जीत लिया है, दैट्स ए ऑफिशियल पोकेमोन लीग बैच, इट्स बैरियर पोकेमोन बिकेम मोर पावरफुल, द टेक्निक फ्लैश कैन बी नाउ यूज एनी टाइम। तो अब मैं फ्लैश यूज कर सकता हूँ कभी भी, वेट टेक दिस विथ यू। तो मुझे एक टीएम दिया, TM34, ए टीएम टेक्निक दैट कैन बी थॉट बाय पोकेमोन ट्रेनर पोकेमोन, ए टीएम इज गुड ओनली वन, सो व्हेन यूज ऑन टीस ए न्यू टेक्निक पिक द पोकेमोन केयरफुली, योर पोकेमोन विल एब्जॉर्ब डैमेज इन बैटल देन पे इट बैक डबल। ये बाइट अटैक का यूज है, देयर आर ऑल काइंड ऑफ पोकेमोन ट्रेनर इन द वर्ल्ड, यू अपीयर टू बी वेरी गिफ्टेड एज ए पोकेमोन ट्रेनर, गो टू द जिम इन सिरुलिन सिटी एंड टेस्ट योर एबिलिटीज। तो अब हमारा नेक्स्ट टाउन होगा सिरुलिन सिटी जाने का, तो अभी सिरुलिन सिटी में जाने वाला नहीं हूँ जब तक मैं प्यूटर सिटी को पूरा एक्सप्लोर ना कर दूँ। प्यूटर सिटी को एक्सप्लोर करने के बाद हम जाएंगे सिरुलिन सिटी। तो फर्स्ट जिम बैटल तो हमने जीत लिया, अगर तुम्हें इस वीडियो में थोड़ा भी बहुत मजा वजा आया तो चैनल को करो सब्सक्राइब और वीडियो करो लाइक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नर्स जॉय से मैं हील कर लेता हूँ अपना पोकेमोन और इधर कोने में जाके सेव कर देता हूँ गेम। और एक और बात यार, अगर बैकग्राउंड में थोड़ा भी नॉइज वॉइस सुनाई दे रहा होता तो इग्नोर कर देना, और मैं डिस्क्रिप्शन में गेम प्ले का प्लेलिस्ट दे दूंगा, वहां से जाके तुम सारे पार्ट देख सकते हो।